आ गए हमारे गेस्ट। जाओ नीचे जाओ। गाइस हमारे घर मैं वीडियो शूट कर रही हूँ, मेरा सारा सामान फैला पड़ा है और ये जनाब मेकअप कर रहे हैं। हेलो कैट द मेकअप कितना अच्छा ब्लेंड हुआ है, तो फिर मैंने सोचा जब इतना मेकअप कर ही रही हूँ तो क्यों ना ट्यूटोरियल शूट करूँ। लुक एट माय नेल्स, एंड माय बैंगल्स। एंड लुक एट दिस कनेर पेड़, इस पेड़ ने हमारे घर पे चार चांद। ये लो नाश्ता तैयार है, कहाँ करोगे? वाह भैया ये तो और भी शानदार है। ये आलू पड़ के हैं, वो बिना आलू के नहीं। एक खा लो ना पापा, एक एक से क्या जाएगा? छोटा वाला डाल दो, छोटा वाला, छोटा वाला दे दो। इसमें आलू डाल दिए थे मैंने आपको, जो दिए थे वो बिना आलू के थे। लेट के मत खाओ। हे गाइस गुड मॉर्निंग, सो मेरा ब्रेकफास्ट रेडी है और आप लोगों ने देख ही लिया कैसा लग रहा है सभी को। और लिटरली अब मैं बाकी के बच्चे भी सेकने जा रही हूँ। लोग अब ये मैंने क्या बनाया है आज के ब्रेकफास्ट में ये आपको थोड़ा सा आगे बताऊंगी और इसकी फुल रेसिपी सेपरेटली शेयर करूंगी, तो चेकआउट करना मत भूलिएगा। फिलहाल आइए बाकी के बच्चे में सीखती हूँ, बाद में मिलती हूँ। हे गाइस, मैं नहा के आ गई हूँ और ये मेरा स्ट्रेटनर फिलिप्स का, आई मीन सॉरी ड्रायर, ड्रायर प्लस स्ट्रेटनर जो कि 2-in-1 है। ऐसे करेंगे आप तो इससे बाल स्ट्रेट हो जाते हैं, हालांकि मेरे नहीं होते हैं फ्रेंकली स्पीकिंग, क्योंकि मेरे बाल बहुत ज़्यादा कर्ली हैं। और इसको निकाल देंगे तो ये हो जाएगा आपका ड्रायर। सो गाइस मैं एकदम फ्रेश हो गई हूँ, शॉवर ले लिया है मैंने और मैं आज मेकअप ट्यूटोरियल शूट करूँगी। मेरा रोजाना का मेकअप, साड़ी हुचन सूट, ऐसे करेंगे मेकअप। तो लेट्स सी कि वो ट्यूटोरियल कैसा शूट होता है। और बाल अभी थोड़े से गीले हैं बिकॉज थोड़ी देर पहले ही मैं नहा के आई हूँ जस्ट, और क्योंकि आज का ब्रेकफास्ट इतना हैवी हो गया था, बस पेट तो मेरा बिल्कुल फुल है। स्टिल मैं तहरी छोंक के आई हूँ, अभी भी थोड़ा सा तहरी खाएंगे हम लोग। और ज़्यादा कुछ खाने में हमने बनाया नहीं क्योंकि वो ब्रेकफास्ट काफ़ी हैवी हो गया था। और तो डिटेलिंग में हम थोड़ी देर में बात करेंगे, मैं थोड़ा सा फ्रेश अप हो जाती हूँ, आई मीन बाल बाल थोड़ा सही कर लेती हूँ और सबको लंच करवा के, लंच करवाने के बाद मैं शूट करूँगी मेकअप ट्यूटोरियल, और मेकअप ट्यूटोरियल शूट करने के बाद फिर मैं आपसे मिलूँगी। फिलहाल के लिए आप देख सकते हो मेरा आज का लुक, और मेरे पति देव कह रहे हैं ज्योति तुम एकदम बच्ची लग रही हो, दूध पीती हुई छोटी बच्ची। तो मैंने कहा मैं तो हूँ ही छोटी बच्ची, यू नो मैं तो छोटी बच्ची हूँ, बड़ी शरारत करती हूँ।
चलो गाइस बाय बाय, मिलती हूँ थोड़ी देर में। और लगाओ, पता ही नहीं चल रहा है। और लगा लो। मैं वीडियो शूट कर रही हूँ, मेरा सारा सामान फैला पड़ा है और ये जनाब मेकअप कर रहे हैं। वाह वाह वाह, अति सुंदर। कहाँ सीखा तुमने मेकअप करना? इतना सुंदर मेकअप करना कहाँ सीखा प्रभु? आहा, सो ब्यूटीफुल। कितने गोरे हो गए तुम। घमंड नहीं है, गुड, होना भी नहीं चाहिए। अरे यार, सब कुछ रख लिया है यहाँ पे मैंने, लेकिन एक चीज रखना भूल गई, चूड़ी। शीशा रह गया मेरे को रखने के लिए। दो ले आ, दो। मैं मेकअप ट्यूटोरियल शूट कर रही थी, तेरे पति देव आके कह रहे हैं खरबूजा खा लो, खरबूजा काटा है मैंने तुम्हारे लिए, एकदम मीठा है। अभी मेरे लिए खरबूजा लाया तो पहले मैं खरबूजा खाऊँ। थैंक यू। वाओ, बहुत ही मीठा है, मज़ा आ गया। मेकअप ट्यूटोरियल शूट करी थी मैं, आधा मेकअप मेरा हो चुका है, आधा रह गया और मैं खरबूजा खा लूँ फिर रीस्टार्ट करूँगी। हे गाइस, सो मेरा मेकअप ट्यूटोरियल शूट हो गया है और ये लुक आप देख सकते हैं। मैं आपको फुल लुक दिखाती हूँ आज इस ब्लॉग में मेरा, और ये सेपरेट वीडियो भी आएगा, तो आइए देखते हैं। सो गाइज़, कैसा लग रहा है आपको मेरा फुल लुक? इसका मेरा मैंने फुल ट्यूटोरियल शूट कर लिया है आज के इस लुक का। आई होप आपको पसंद आएगा। और अब क्योंकि शाम के बज गए हैं 4:45 और मैं जा रही हूँ शाम की चाय बनाने, फिर आती हूँ फटाफट से यूट्यूब पे लाइव अपना ये फुल लुक दिखाने के लिए। तो मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में। आई होप आपको आज का लुक अच्छा लगेगा। और वीडियो बनाने के बाद हाल देखें कमरे का, ये देखो सारा सामान फैला पड़ा है मेरा, तो अभी इसको समेटूंगी फिर जाऊंगी चाय बनाने। पहले सामान समेट लेती हूँ फटाफट से। सो गाइस, मैंने चाय बना के सबको दे दी है और अब मैं जा रही हूँ यूट्यूब पे लाइव। तो जब भी ये व्लॉग आएगा तो आज का ये जो इस लुक में लाइव है वो लाइव हो चुका होगा, तो चेकआउट करना मत भूलिएगा।
मैं जब भी व्लॉग शूट करती हूँ कोई ना कोई सीन ऐसा ज़रूर होता है जो मैं सोचती हूँ आप लोगों को दिखा पाती, बट तब तक इतना लेट हो चुका होता है। मेरे पति देव बाहर से आया मुझे ये रोज़ देगा, आई मीन कनेर का फूल देगा, रोज़ कह लियो यार, दिस इज़ फॉर यू। मैंने कहा थैंक यू, तो मैं आई थॉट आप लोगों को दिखा पाती अभी। You are looking a baby doll, he is saying to me. Hey guys, so finally अब फुर्सत से बैठी हूँ मैं, तो सोचा आप लोगों से थोड़ी बात कर लूँ। तो आज है यूपी में लॉकडाउन, जैसे कि आप सभी को पता होगा यूपी में सेकेंड लॉकडाउन है। लास्ट ईयर भी इस टाइम इतना बुरा टाइम आया था और इस बार फिर से, जो कि बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था, बिकॉज अभी हम लोग विंटर्स से निकल के आए हैं, बाहर सारे विंटर्स ख़त्म हुए हैं, तो वी वर लाइक विंटर्स में नहीं हुआ कोरोना, कम हो गया था, तो गर्मियों में तो नहीं होगा, बट आई डोंट नो कौन सा वायरस है जो गर्मियों में दोबारा से हो जाता है। और इस बार जो कोरोना हो रहा है वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल है, बिकॉज जितने भी केसेस पिछली बार, तो टचवुड, हमारी फैमिली में, हमारे रिलेटिव्स में हमने कहीं पे भी कोई केस नहीं सुना था एज सच पिछली बार जो हुआ था। और इस बार तो भैया इतना कुछ सुनने में आ रहा है कि बस क्या ही बताएं, बहुत बहुत ही बुरा लगता है। तो फिर लास्ट लॉकडाउन जो फर्स्ट था उसमें तो मैंने पिन्नी भी खाई थी और बहुत सारे काम किए थे घर के, तो मैं व्लॉग नहीं बना पाई थी। तो आई थॉट कि आज सेकंड संडे है लॉकडाउन का, तो आज का मैं व्लॉग शूट कर लेती हूँ। तो आज का मैं व्लॉग बना रही हूँ संडे का, क्योंकि मेरे पास एक ही दिन होता है संडे, और पूरा दिन मेरा ऐसे निकल जाता है काम करते 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 करते। संडे को सुबह सुबह उठते ही मैंने अपने सारे, मैं क्या करती हूँ संडे वाले दिन इतने सारे कपड़े हो जाते हैं ना धोने के लिए, तो सैटरडे को आधे धो देती हूँ और आधे में संडे को धो लेती हूँ। फिर सुबह उठते उठते जो मैंने कल रात कपड़े धोए थे उनको मैंने फिलाया बाहर धूप में, सो दैट जल्दी से वो सूख जाएँ। फिर वो उन सबको तय करके अलमारी में रखा, ब्रेकफास्ट बनाया, लंच बनाया, फिर लंच करने के तुरंत बाद मैं मेकअप ट्यूटोरियल शूट करने जा रही थी, तो मेरे हस्बैंड कहते हैं ना फ़ोन छीन लें उन्होंने हाथ से, कह रहे हैं फिर तुम कहते हो मेरा पेन हो रहा है, मेरे पेन हो रहा है, सोती हो नहीं, आराम करती हो नहीं, पहले आराम करो। तो क्या आराम करो, लेटे ही थे 45 मिनट्स भी नहीं हो पाए थे, और एकदम लेट के तो नींद भी नहीं आती है, इनका फ़ोन आ गया, मेरी आँख खुल गई। बस फिर मैं उठ गई, अराउंड 3 बज रहा था उस वक्त, 3 बजे से मैं उठ गई, फिर मैंने मेकअप ट्यूटोरियल की तैयारियाँ स्टार्ट कर दी, ये भी उड़ गया। फिर था हम दोनों ही नहीं सोए, बस लेट ही गए थे थोड़ी देर के लिए, वो ज़बरदस्ती इन्होंने मेरे को डाला था, इतनी ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन है। तो ऐसे जाते हैं लॉकडाउन में, कुछ कर सकते नहीं है, मार्केट जा नहीं सकते हैं, कुछ काम कर नहीं सकते हैं, बस घर पे रहते हैं। और मेरा तो पूरा संडे ऐसे निकल जाता है काम काम में, कल मंडे है, कल से दोबारा से ऑफिस, दोबारा से वही लाइफ, ओ गॉड। तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे कल ही मैंने क्वेश्चन डाला था एक, कि आप लोग मुझे बताइए कि मेरे को और कौन कौन से टॉपिक्स पे वीडियो शेयर करनी चाहिए। तो सभी ने बहुत अच्छे अच्छे मेरे को आइडियाज़ दिए, उसमें से एक आइडिया था कि मैं अपना डेली का रूटीन शेयर करूं। तो डेली का रूटीन, तो गाइस मेरा पूरा दिन 9:30 to 6:30 ऑफिस में निकलता है, तो 9:30 to 6:30 ऑफिस में निकलने के बाद आपको पता ही कुछ बचता ही नहीं है आने के बाद। तो अगर मैं व्लॉग बनाऊँगी भी तो व्लॉग में बनेगा क्या, शेयर करूँगी। आ गए, ये तो पहले बता दिया हमें। हाँ तो क्या बाहर से आ रहे हैं कहीं? अपने घर से आओ, और बहन शादी है ना, दाल देना है। मम्मी आई थी बताने के लिए कि हमारे घर पे गेस्ट आ रहे हैं, उनकी छोटी बहन की शादी है, तो उसका इनविटेशन कार्ड देने आ रहे हैं। तो अब मैं जा रही हूँ, गेस्ट की थोड़ी खातिरदारी करूँगी। बाकी आप लोग ऐसे प्यार देते रहिए, आई होप आपको आज का छोटू सा व्लॉग पसंद आएगा। कहाँ गए, ऊपर क्या कर रहे हो, कौन सा वाला दार्जिलिंग? मैं कहूँ तुम कहाँ चले गए? फिर से वंस मोर, कुछ जाओ बाकी के मैं गिनूं, 4 5 6 7 8
नौ दस अब कूदो पापा ऊपर लेंगे अभी साढ़े पांच रैन तो तुमसे ना पाएगा अरे नहीं कूद रहा हूँ भाई नहीं कूद रहा हूँ पीछे से वो भैया कह रहे हैं अरे दुर्गेश भाई क्या हो गया क्यों कूद रहे हो अरे यार यार सच में भाभी लोग क्या सोच रहे होंगे नीचे आओ सब गांव वालों मैं कूद जाऊंगा बसंती ज्यादा नहीं हो गया अब पीछे से आंटी बोले भाई सुनो पीछे से बोलो देव के मेन निकल आए बाहर अंजलि के करवा ले हाय हाँ यार वो आ भी गई देखने और दिखाने भी आ गई ये गिर रहे हैं यार मेरे व्यूअर्स तो क्या ही कहेंगे कहेंगे जीजू को क्या हो गया कति गांव वालों को इंटरेस्ट नहीं आ रहा है गांव वाले देख के चले गए कुछ मजेदार करो ईशान भाई आ गए कूद रहे हैं कूद ऊपर से कूद रहे ये कूदना चाह रहे हैं भैया हाँ हाँ आप ही को तो शूट कर रही हूँ आप ही को शूट कर रही हूँ आप आ गए मैं दस तक गिनती गिन रहा हूँ हाँ 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 डालूंगी भैया उतर गया हो तो गया क्या दोबारा करोगे क्या भैया कह रहे हैं एक बार कर तो लिया कितनी बार करोगे हम दोनों जिस काम से ऊपर आए वो काम कर ले क्या आओ हम किसी काम नहीं आए यार ये वीडियो बनाने में इतना चोरी करते हैं ना मेरे साथ मैं इनसे कहती हूँ मेरे साथ एक वीडियो बनवा लो चोरी नहीं हम डकैती कर रहे हाँ तुम डकैती करो मेरे साथ वीडियो में बन रही हूँ बस भैया कह रहे हैं व्लॉग बना रहे हो ज्योति तो फिर मैं भी आऊंगा व्लॉग में मैंने कहा हाँ ऑफ कोर्स भैया व्हाई नॉट आपको शूट कर लिया मैंने तो कह रहे हैं ठीक है फिर मैं चेक करूंगा यूट्यूब पे मैंने कहा हाँ ऑफ कोर्स व्हाई नॉट ज्योति हाँ उधर सामने हो हाँ यस आ गए हमारे गेस्ट जाओ नीचे जाओ गाइस हमारे घर चलो भैया गेस्ट आ गए भगवान जी को दुपट्टा पहनाने आई थी ऊपर वो पहना दूं तुम पहना दोगे भगवान जी हमारे दुपट्टा पहना दूं मेरे बाबा जी को ये साईं बाबा के दुपट्टा लाई थी पहले घंटी का बजा दूं अरे हाँ ये तो दिखाया ही नहीं गाइस ये देखो हमारे घर पे एक कबूतर ने घर बनाया है और ये जाता ही नहीं है हम लोग आए जाएं कुछ भी करें इसने अंडे भी दे दिए हैं यहाँ पे यहाँ जाता ही नहीं हमारे मंदिर में इसने घर बना लिया है और हम इसको हटाते भी नहीं अब ये बैठे रहते हैं हाय कबूतर कबूतर चलो सुनो आओ तो आ रहे हैं मम्मी आ रहे हैं तो भी बना दो बाबा जी को साईं बाबा ओम साईं नाथाय नमः ओम साईं नाथाय नमः बाबा की माला ऊपर कर देते ओम साईं नाथाय नमः चलो जी चलो जय भगवान जी चलो जय श्री राधे आ रहे हैं
सो गाइस सबको चाय नाश्ता करवा दिया, सारे गेस्ट चले गए, बस आलोक जी कपूर जी बचे हैं जो मेरे हस्बैंड के फ्रेंड हैं। मतलब इतनी गर्मी हो रही है बाई गॉड, मैंने अपनी चोटी को ऐसे बांध लिया ऊपर को। अभी नाश्ते में मैंने कसरी पापड़ भून दिए थे, सबका फिर से पेट इतना भर गया। ऑल दो मैं जा रही थी टमाटर आलू और घुया की सब्ज़ी बनाने के लिए, बट अभी सबका पेट इतना भर गया है यार नाश्ते की वजह से, जिसकी वजह से अब हम बना रहे हैं मूंग की दाल और घुया की सब्ज़ी। ओह तो वही सब खाएंगे। सारे काम जो मुझे करने थे आज वो सारे हो गए सिवाय दो कामों को छोड़ के। पहला क्या नाम है, मेरे को एक वीडियो एडिट करना था जो कि मुझे आज ही अपलोड करना था, बिकॉज स्केड्यूल है आज मेरा, संडे है और संडे को मैं एक नया वीडियो डालती हूँ, तो आज वीडियो अपलोड नहीं कर पाई। तो एक तो मेरा वो काम पेंडिंग रह गया, और सेकंड मेरा को एक वीडियो शूट करना था, और एक मेकअप ट्यूटोरियल तो मैंने आज शूट कर ही दिया, एक और वीडियो मुझे शूट करना था वो भी मैं शूट नहीं कर पाई यार, शिट मैन। तो फिलहाल देख लिया आपने, जो हमारे यहाँ गेस्ट आए थे बेसिकली मैं उनकी चचिया सास हूँ, आई एम चचिया सास, वो मेरी बहू थी। तो वो कह रही थी कि चाचा जी वीडियोस में तो बहुत सीरियस रहते हैं और सामने से तो इतने मजाकी हैं। तो मैंने कहा ऐसा नहीं है, व्लॉग्स वगैरह में जो लोग देखते हैं व्लॉगिंग में उनको सबको पता ही होगा कि मेरे हस्बैंड जो हैं बहुत ज़्यादा सीरियस बिल्कुल नहीं है, बहुत ज़्यादा मजाकी ही हैं। बट जब बात आती है इंस्टाग्राम पर रील्स बनवाने की, जब रील्स बनाना होता है तो रील्स वीडियो नहीं बनाना चाहते हैं, व्लॉग्स में वो जैसे हैं वैसे दिखते हैं, जैसे मैं हूँ जैसे बिल्कुल वैसे ही आपको व्लॉग्स में दिखाई देती हूँ, और मेरे हस्बैंड भी जैसे हैं मजाकिया टाइप्स व्लॉग्स में बिल्कुल वैसे ही आते हैं। लेकिन जब रील्स वीडियो बनानी होती है और जब एक्टिंग करने की बारी आती है, लाइक कुछ डायलॉग है या फिर कुछ स्टेप करना है रोमांटिक समथिंग, बस ही वॉज लाइक बस वही प्रॉब्लम आती है, दैट्स इट। बाकी ही इज़ टू फनी, टू किडिश, लाइक टू मच वाला, टू मच, इवन इतना तो कोई नहीं होता हुआ यार, मैं परेशान जाती हूँ, इतना मजाक करते हैं हर समय, उठते बैठते सोते खाते पीते, बस मैं तो रिटेट भी हो जाती हूँ बाय गॉड। एनीवेज गाइस चलिए थोड़ा सा फ़ोन चला लेते हैं, बहुत देर से फ़ोन नहीं चलाया मैंने, दाल रखाई हूँ, गुया मेरी उबली गई है, छिल भी गई है, बस आटा गूंथ के रोटियाँ बनानी है मुझे, तो वो काम करने से पहले थोड़ा फ़ोन चला लेते हैं, क्योंकि सबने अभी नाश्ता किया है, सबका पेट एकदम भरा हुआ है, सबने कचरी पापड़ खाए हैं। तो या सो गाइज मैं फ़ोन चला रही थी, तो फ़ोन चलाते चलाते मुझे इंस्टाग्राम पे बहुत सारे DMs आए हैं, और मैंने यूट्यूब पर जो लाइव किया था उस लाइव पर भी मुझे बहुत सारे कमेंट्स आए हैं कि आपका सूट बहुत प्यारा लग रहा है, दिस सूट। तो गाइज आप लोग जानना ही चाहोगे कि ये सूट मैंने कब लिया था, क्या है क्या नहीं है, तो आप लोग शॉक हो जाओगे अगर मैंने आपको इस सूट के बारे में बता दिया। तो पहले बता देती हूँ, ये सूट मैंने लिया था व्हेन मेरी मम्मी ने लिया था, मतलब मैं कॉलेज गई थी, आई वॉज इन ग्रेजुएशन, यू वॉन्ट बिलीव गाइज, जस्ट आफ्टर माई 12th व्हेन आई वॉज इन ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर। तो दो सूट लिए थे मेरी मॉम ने, एक ये वाला और एक और है वो पर्पल कलर का, जो मैंने होली की प्रिपरेशन वाला जो ब्लॉग बनाया उसमें जो पर्पल कलर का सूट पहना है मैंने, कट स्लीव्स वाला, वो दोनों सूट मेरी मम्मी ने पुलिस लाइन में जो सूट बेचने वाले आते हैं उनसे लिए थे। आई थिंक 600 रुपीज़ का एक था शायद, हाँ आई थिंक 600 का 400 रुपीज़ का एक सूट था ये। तो दो सूट लिए थे मेरी मम्मी ने मेरे लिए, वो सूट तो मैंने बहुत ही पहना था पर्पल वाला, बट ये वाला सूट मैंने पहना ही नहीं, सिर्फ एक ही बार पहना। वो एक कहेगा ये कितना साल पुराना है, लाइक ग्रेजुएशन फर्स्ट टाइम लिया था तो 3 साल ग्रेजुएशन के हो गए, 2 साल पोस्ट ग्रेजुएशन के हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6 साल मेरे जॉब के हो गए और 2 साल मेरी शादी के हो गए, यानी कि टोटल 13 साल, 13 साल पुराना ये सूट है, हाय भगवान, लाइक सीरियसली 13 साल पुराना सूट है ये। सो गाइस बज रहे हैं रात के 10, खाना पीना सब हो गया, लाइट्स वगैरह सब ऑफ हो गई है, घर एकदम लॉक हो गया, सब कुछ एकदम रेडी है, और अब अगर मैं गई तो बस 5 से 10 से 15 मिनट के लिए इंस्टाग्राम पे लाइव जाऊंगी, क्योंकि आज मुझे लेट हो गया, हमारे घर पे गेस्ट आ गए तो क्या नाम है डिनर में लेट हो गया थोड़ा सा है, तो डिनर में लेट हो गया, इस वजह से हमारा सब प्रोग्राम में लेट हो गया, आज की वीडियो एडिट भी नहीं हो पाई मेरे से, मुझे एडिट करना था आज एक वीडियो तो वो भी एडिट नहीं हो पाया है क्या,
ये मेरे विटामिन की दवाई। देखो वाईफाई बंद तो नहीं हो गया। गाइज आई होप आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। मैं आज का ब्लॉग यहीं पे एंड कर रही हूँ। मिलती हूँ बहुत जल्द एक नए ब्लॉग के साथ और एक नई वीडियो के साथ। फिल्म बाय बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि, शुभ पक है, लॉट्स ऑफ लव टू ऑल ऑफ यू, माय यूट्यूब फैमिली।